अंतर्राष्ट्रीय जजातीय समाज का दो दिवसीय सम्मेलन भोपाल में हुआ। समाज के संयोजक कपिल मिश्रा ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन इस पर किसी भी राजनीतिक दल ने अब तक कोई टिप्पणी नहीं की। अंतर्राष्ट्रीय जजातीय ब्राह्मण समाज का दो दिवसीय अधिवेशन कार्यक्रम राजधानी भोपाल के मानस भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में ब्राह्मण समाज को लेकर भ्रांति है उसे दूर करना है और ब्राह्मण और दलित समाज के बीच समरसता पैदा करना है। जजातीय समाज के संयोजक कपिल देव मिश्रा ने बताया कि दिल्ली में दलित समाज को उन्होंने 1000 मनुस्मृतियाँ वितरित की हैं और उनसे पूछा है कि ऐसा कहाँ लिखा है कि ब्राह्मणों ने दलित पर अत्याचार किया। उनका कहना है कि लोगों ने मनुस्मृति ठीक से पढ़ी नहीं है, जिस वजह से ये भ्रांतियाँ फैल रही हैं। आज बहुत जरूरी है, महती आवश्यकता है कि हम जो नरेटिव गढ़ा रहा, ब्राह्मणों ने नाश कर दिया, ब्राह्मणों ने ये कर दिया, मनुस्मृति जलाई जा रही है, वो तो नरेटिव को अब हम लोगों ने तय किया कि हम इसको गलत साबित करेंगे। और आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने स्वयं अपने मनुस्मृति को 28 मिनट और 1000 मनुस्मृति दलित बस्तियों में बांटी दिल्ली में, और उनको बताया कि कहाँ लिखा है गलत, आपने पढ़ी नहीं मनुस्मृति के बारे में। तो चतुर्वर्णीय माया सृष्टा, जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं और हम कृष्ण की बात करते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, तो उनकी बातों को आधा क्यों मानते। तो हमें उसके लिए सही स्वरूप में लाना चाहिए, इसलिए ब्राह्मण समाज ने ये बैठक रखी है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।